A very good morning, my dear kids. Today's topic is opposites. Okay, from our book, Smart Kids Nursery Term 2 book. Now, open the page number 32. This is your activity, opposites. Look, learn and tick. First, asleep and awake. Tick right the cat that is asleep. क्रॉस आउट द कैट दैट इज अवेक. तो हमें क्या करना है, जो कैट जो स्लीप कर रही है मतलब जो सो रही है उसमें आपको राइट टिक करना है और जो जागी हुई है उसमें आपको क्रॉस करना है. तो लुक किड्स, हम कैसे सोते हैं, यह कैट कैसे सो रही है, आईज क्लोज करके. आईज क्लोज करके हम सोते हैं तो कैट भी आईज क्लोज करके ये ऐसे राउंड होके लेट के ये सो रही है. ओके, तो इसे हम सोना कहते हैं. तो इसमें हम राइट टिक करेंगे. ओके, ये कैट सो रही है तो इसे हम राइट टिक करेंगे. अब अवेक कौन है, जागी हुई कौन है, जिसकी आईज ओपन है, जो बैठी हुई है. ओके, ये हमें देख सकती है, ये हमें देख रही है तो ये जागी हुई है. ओके, तो इसमें हम क्रॉस करेंगे. जो स्लीप कर रही है उसकी आईज क्लोज है, क्लोज है, और जो जागी हुई है उसकी आईज ओपन है. तो ये सो रही है, ये कैट जाग रही है. नाउ नेक्स्ट, रन एंड वॉक. टिक राइट द हॉर्स दैट इज रनिंग. ओके, क्रॉस आउट द हॉर्स दैट इज वॉकिंग. तो हमें क्या करना है, ये दोनों हॉर्स दिए हैं, लुक ये क्या है, ये दोनों हॉर्स है. ठीक है, इसे हम घोड़ा कहते हैं. तो जो हॉर्स रनिंग कर रहा है मींस जो घोड़ा दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, उसमें हमें राइट टिक करना है. और जो हॉर्स चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, उसमें हमें क्रॉस करना है. तो जब हम दौड़ते हैं तो हमारी स्पीड बहुत फास्ट होती है. तो लुक किड्स, ये हॉर्स रनिंग कर रहा है. ओके, और ये वॉकिंग कर रहा है तो रनिंग में इसकी देखो ये जंप भी कर रहा है ना, तो ये रनिंग कर रहा है. तो इसमें हमने राइट टिक किया क्योंकि ये वाला हॉर्स रनिंग कर रहा है, बहुत फास्ट दौड़ रहा है ये. अब जो हॉर्स वॉकिंग कर रहा है तो इसके लेग्स जो हैं बहुत स्लोली स्लोली अप डाउन कर रहे हैं. ओके, तो इसमें हमने क्रॉस कर दिया. ओके, ये रनिंग कर रहा है और ये वॉकिंग कर रहा है. तो आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 33. Read and write. Tick right the child that is reading. Cross out the child that is writing. Okay, तो हमें इसमें क्या करना है, ये दोनों child हैं, ठीक है, ये आपकी दोनों friends हैं. Hope आप मान लीजिए ये दोनों आपके friends हैं. Okay, तो ये दोनों child हैं, एक writing कर रहा है और एक reading कर रहा है. तो यहाँ पे देखिए जो किड रीडिंग कर रहा है उसमें हमें राइट टिक करना है. तो आपको इसमें देखना है कि रीडिंग कौन सा, राइटिंग. हम पेंसिल पकड़ के ऐसे हम पेंसिल पकड़ के राइटिंग करते हैं. ओके, राइटिंग हम पेंसिल पकड़ के करते हैं. जब हम रीडिंग करते हैं तो हम बुक पकड़ते हैं. तो ये बच्चा जो है, ये जो चाइल्ड है, ये रीडिंग कर रहा है तो इसमें हमने राइट टिक कर दिया. ओके, और ये किड जो है तो ये क्या कर रही है, ये राइटिंग कर रही है क्योंकि इसने पेंसिल पेन पकड़ा हुआ है तो इसमें हमने क्रॉस टिक कर दिया. तो लुक किड्स, जब हम राइटिंग करते हैं तो हम ऐसे पेंसिल या पेन को होल्ड करते हैं और जब हम रीडिंग करते हैं तो हम अपनी बुक्स या कॉपीज पकड़ते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, पुल एंड पुश. Tick right the man who is pulling the door. Cross out the man who is pushing the door. Okay, हमें क्या करना है, जो pull कर रहा है, okay, जो pull कर रहा है
तो उसमें हमें राइट टिक करना है और जो पुश कर रहा है उसमें हमें क्रॉस टिक करना है। ओके तो यहाँ पे देखो ये पुल करना है तो ये अपने साइड खींच रहा है ये डोर को। ओके तो ये पुलिंग कर रहा है तो इसमें हमने राइट टिक कर दिया और ये पुश कर रहा है मींस गेट को पुश कर रहा है तो हम क्या करते हैं इसमें हम कर देंगे क्रॉस टिक क्योंकि यहाँ पे है पुशिंग द डोर में क्रॉस टिक एंड पुलिंग द डोर में राइट टिक। ओके अपने साइड खींचना मींस पुल करना पुलिंग करना और हाथ से पुश करना मींस पुशिंग। ओके होप आपको ये समझ में आया होगा। सो डू दिस एक्टिविटी एंड सबमिट द होमवर्क अवर स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।